हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग मेन फाइंड करना सीखेंगे। देखिए, एक ग्रुप डाटा है और हम लोग तीन मेथड से मेन निकालना सीखेंगे। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मेन मेथड और तीसरा स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड देखेंगे हम लोग। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड बहुत ही सिंपल है। देखिए, यहाँ पे क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोगों को चार चीज़ चाहिए। पहला, दो चीज़ दिया हुआ है, एक आपका क्लास, दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी। तीसरा, हम लोगों को निकालना होगा क्लास मार्क। फ्रीक्वेंसी के लिए Fi सिंबल लिखा जाता है और क्लास मार्क के लिए Xi सिंबल लिखा जाता है। और यहाँ पे फिर हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क। ठीक है, इस प्रकार से चार चीज़ चाहिए। और क्लास मार्क जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे, जैसे कि 20 से 40। उसके बाद 40 से 60, उसके बाद 60 से 80, उसके बाद 80 से 100, उसके बाद 100 से 120, उसके बाद 120 से 140, उसके बाद 140 से 160। और इसके सीधा सीधा जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है वो लिख देंगे। जैसे 20 से 40 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 9 है। 40 से 60 का कितना है? 11 है। 60 से 80 के बीच जो है वो कितना है? 14 है। 80 से 100 के बीच में जो है वो आपका 6 है, और 100 से 120 के बीच में क्या है? 8 है। और 120 से 140 के बीच में क्या है? 15। और उसके बाद में 140 से 160 का फ्रीक्वेंसी क्या है? 12 है। देखिए, ये जो है ये आपका क्वेश्चन में ही रहेगा। देखिए, ठीक है, अब क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? तो क्लास मार्क निकालना बहुत सिंपल है। देखिए, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है, मतलब कि जो क्लास है 20 और 40, अब सिंपल क्या करिएगा, 20 प्लस 40 को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये ऊपर आएगा 60/2, और इसको हम लोग काटेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? 30। तो इस प्रकार से एक टू क्लास मार्क आप निकाल लिए। सबका उसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बात देखिए, यहाँ पे जो इंटरवल, इनका फर्क कितना है? 20 और 40, 40 माइनस 20 अगर करेंगे तो 20 का फर्क होता है। बस उसके बाद में क्लास मार्क में क्या करिए, 20 ऐड करते हुए सबको लिख दीजिए, 30 के बाद 50। देखिए, वो डिपेंड करता है आपका जो बीच का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 और 40, ठीक है, और उसके बाद में 40 60, इसके बीच में डिफरेंस कितना का है? 20 है ना, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 20 ऐड करते जा रहा हूँ। यहाँ 50 हो गया, यहाँ 70 हो गया, यहाँ आपका 90 हो जाएगा, और यहाँ आपका 110 हो जाएगा, और उसके बाद में फिर यहाँ आपका 130 हो जाएगा, और यहाँ आपका 150 हो जाएगा। और अगर आपको एक एक करके निकालना है तो भी आप निकाल के देखिए, वही आएगा। जैसे 60 और 40, 60 और 40 को आप जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। 60 और 80 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना होगा? 140, और 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा। 100 और 80 को अगर जोड़ेंगे तो 180 आएगा, और 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। 100 और 120 को जोड़ेंगे तो 220 आएगा, और 220 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 110 आएगा। 120 और 140 को जोड़ेंगे तो 260 आएगा, और 260 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 130 आएगा। 140 और 160 को जोड़ेंगे तो 300 आएगा, और 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 150 आएगा, मतलब कि 150 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे। उसके बाद अब क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी था और जो क्लास मार्क था, दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 3 इंटू
30 करेंगे तो कितना आएगा, 270 आएगा। उसी प्रकार से 11 इंटू 50 करेंगे तो कितना आएगा, 550 आएगा। फिर 14 इंटू 70 करेंगे तो कितना आएगा, 980 आएगा। उसके बाद में फिर आप 6 इंटू 9 करेंगे, 90 करेंगे तो कितना आएगा, 540 आएगा। उसके बाद में 8 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा, 11 मतलब 110 करेंगे तो कितना आएगा, 880 आएगा। और फिर 15 इंटू 130 करेंगे तो कितना आएगा, 1950 आएगा, 1950। और उसके बाद में 12 इंटू 150 करेंगे तो कितना आएगा, 1800। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे हम लोग को समीशन निकालना है FI का, मतलब फ्रीक्वेंसी को जोड़ देना है। समीशन ऑफ FI निकालेंगे, इसको जोड़ने पे आपको 75 मिलेगा। और उसी प्रकार से हम लोग को समीशन ऑफ समीशन निकालना है FI और XI का, ये सारा नंबर को हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ने पे हम लोग को मिलेगा 6970। उसके बाद अब हम लोग मीन कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ, उसके बाद में मीन निकालना है हम लोग को यहाँ पे। तो मीन निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ FIXI दे, मतलब कि ये जो सम आया हम लोग का, ये डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI कर देना है। दैट मीन्स 6970 डिवाइडेड बाय 75, और इसको डिवाइड करने पे जो नंबर आएगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, 92.93। ठीक है, ये था डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब एज्यूम मेथड देखेंगे। कौन सा मेथड देखेंगे अभी हम लोग, हम लोग देखेंगे एज्यूम मेथड, ASSUMED, एज्यूम मीन मेथड। अब देखिए इसमें क्या क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे जो जो चीज़ हम लोग को चाहिए था, ये देखिए इसमें आप ना टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा, ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। मैंने ड्रॉ नहीं किया था क्योंकि सीधा लाइन होगा नहीं, ठीक है, स्केल मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी जैसे भी हो रहा है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। और फिर यहाँ पर भी आपका एक टेबल इस तरह से बना लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके सब में लाइन करके एक टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे क्लास, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, ये तीन चीज़ तो हमको एज्यूम मीन मेथड में भी चाहिए, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक नंबर हम लोगों को एज्यूम करना पड़ता है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। अब ये एज्यूम जो हम लोग कर रहे हैं ए, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए सबसे पहला और सबसे आखिरी जो क्लास का वैल्यू दिया गया है, क्लास इंटरवल का, उसको लेना होता है 20 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2। 20 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 180 बाय 2 आएगा। और इसको हम लोग अगर काटेंगे तो हम लोग को मिलेगा 90। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या हुआ, 90 हो गया। अब यहाँ पे मैं बताऊँ क्या क्या चाहिए आप लोगों को। पहला चाहिए हम लोग को क्लास, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। उसके बाद में चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो मैं डायरेक्ट सिंबल लिख रहा हूँ, देखिए फ्रीक्वेंसी के लिए FI लिखा जाता है। और उसके बाद या तो मैं लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी भी, FI किसके लिए लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी के लिए, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद में हम लोग को चाहिए क्लास मार्क, उसके लिए क्या लिखा जाता है, XI, क्लास मार्क। उसके बाद में फिर हम लोग को यहाँ पे एक नया चीज है निकालना है, DI। DI को क्या बोला जाता है, डिविएजन, ठीक है ना। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, XI को माइनस करना पड़ता है ए के साथ में। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 90 है तो मैं 90 लिख दे रहा हूँ, इसको बोलेंगे हम लोग डिविएशन, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग समीशन निकालेंगे
एफ वाई और डी आई का। डी आई क्या है? ये जो हमारा डिविएशन है, ठीक है। अब यहाँ पे उसी प्रकार से मैं लिख देता हूँ, क्लास लिख देता हूँ पहले मैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्लास क्या है, 20 और 40। उसके बाद में फिर क्या है, 40 और 60। उसके बाद में क्या था, 60 और फिर 80। उसके बाद में फिर आपका 80 और 100। उसके बाद में फिर आपका 100 माइनस 120। उसके बाद में फिर आपका 120 माइनस 140, माइनस नहीं हाइपन, ठीक है। फिर आपका 140 हाइपन 160, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी भी लिख देंगे, इनके बीच का फ्रीक्वेंसी क्या है, 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे 14, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 15 और यहाँ पे सबसे नीचे 12। अब क्लास मार्क मैंने आपको बता दिया है कैसे निकाला जाता है, तो उसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 30, उसके बाद 50, उसके बाद 70, उसके बाद 90, उसके बाद 110, उसके बाद 130, उसके बाद 150। क्लास मार्क हो गया। अब यहाँ पे हम लोग DI का वैल्यू निकाल लेते हैं। DI में क्या करना पड़ेगा, XI माइनस 90, मतलब 30 को 90 से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, माइनस 60। फिर आप 50 को माइनस 90 करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस 40। उसके बाद फिर 70 को 90 से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, माइनस 20। 90 को 90 से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 0। और उसके बाद 110 से 90 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 20। और फिर 130 से 90 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 40। और फिर 150 को 90 से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 60, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को प्रोडक्ट चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए, एफ आई और डी आई का, मतलब 30 × 60 करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 30 × 60 कितना हो जाएगा, यहाँ आएगा आपका 540 माइनस में, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे भी देखिए, इसको इसका साथ 3×6=54 है ना, और यहाँ पे हमारे पास 0 है ना। क्लास, अच्छा एक मिनट, सॉरी मैं गलती बोल रहा था आपको, FI DI मतलब कि यहाँ पे FI मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को DI के साथ हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, 9×6=54 और ये 0, और यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 9×-60, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये नंबर आएगा। उसी प्रकार से सबका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, 11 माइनस 40 कितना आ जाएगा, -440। उसके बाद 14 माइनस 20 करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, -280। उसके बाद में फिर 6×0 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही आएगा। फिर 8×20 करेंगे तो कितना मिलेगा, 160। और उसी प्रकार से 15×40 करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 600। और उसी प्रकार से फिर 12×60 करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 2720। मिल गया सब सारा चीज़ हम लोग को जो जो चाहिए था। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, इसका समीशन निकाल देना है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई, ये निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा 220। और उसी प्रकार से यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग एन बोलेंगे, और इसका समीशन जो होगा इसको एन बोलेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का हम लोग सम निकालेंगे और ये निकलेगा 75। अब एज्यूम मेथड का जो फॉर्मूला है मीन निकालने का, वो कुछ इस प्रकार से है, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए, मीन इक्वल टू ए प्लस 1/n, और यहाँ पे समीशन ऑफ एफ आई डी आई, ठीक है। तो ए क्या था, 90 था, ठीक है, प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई क्या निकला, 220, और एन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 75, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो वैल्यू आएगा आपका 92.93।
अब नेक्स्ट और सबसे लास्ट हम लोग देखने वाले हैं स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? देखिए, हम लोगों को पहले हम लोग जो जो लिए हैं वो चाहिए और एक नया चीज चाहिए रहेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसमें भी हम लोग को ए का वैल्यू चाहिए जो हम लोग एज्यूम मीन मेथड में कर रहे थे। तो ए को कैसे निकाला जाता है? ए निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको और इसको जोड़ देंगे, पहला और आखिरी वैल्यू को 20 + 160 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो इस प्रकार से हम लोग को पता चल जाएगा कि इसका ए होगा 90। और एक वैल्यू चाहिए एच। एच क्या होगा? देखिए, ये जो क्लासेस है ना 20 और 40 के बीच में फर्क कितना का है, मतलब ऐसे लिखता हूँ मैं, 40 - 20 कितना है होगा? 20 होगा। 60 - 40 कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। तो चार जितना भी देखेगा डिफरेंस 20 होगा, तो इस प्रकार से ये एच निकल गया 20। ठीक है, अब यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्लास, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कि एफ आई, उसके बाद में यहाँ हम लोग लिख देते हैं क्लास, CLASS क्लास, मार्क, क्लास मार्क मतलब कि एक्स आई, और उसके बाद यहाँ पे डिविएशन। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को लेना होगा यू आई, निकालना होगा यू आई। यू आई निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोग को? यहाँ पे एक्स आई माइनस ए बाय एच, और एक्स माइनस ए क्या है? यहाँ पे जो हम लोग डी आई निकाले है ना, निकालेंगे मतलब, तो डी आई निकालने के लिए क्या करना होता है? एक्स आई माइनस ए, जो कि हम लोग एज यू मीन मेथड में देखे थे। और फिर यहाँ पे जो अभी समीशन होगा वो होगा एफ आई और आपका यू आई का, एफ आई और यू आई का। ठीक है, एफ आई और यू आई देखिए। ठीक है, चलिए अब कैसे निकालते हैं सबको वो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम लोग 20 से 40, उसके बाद में फिर 40 से 60, उसके बाद में फिर 60 से 80, उसके बाद में फिर 80 से 100, उसके बाद में फिर 100 से 120, उसके बाद में 120 से 140, उसके बाद में 140 से 160। अब फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं 9, उसके बाद में यहाँ पे 11, उसके बाद में यहाँ पे आपका 14, यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे आपका 8, और यहाँ पे आपका 15, और यहाँ पे आपका 12। अभी यहाँ पे क्लास मार्क जो था वो लिख देते, इसका क्लास मार्क 30 जो हम लोग निकाले हैं, पहले भी क्लास मार्क निकालना हम लोग देख चुके हैं ना, 70, 90, 110, 130, 150। उसके बाद डिवीजन जैसे निकालते थे उसी प्रकार से यहाँ निकाल लेंगे, 60 - 60 - 40 - 20 - 0 - 20 - 40 - 60। अब देखिए एच, यहाँ पे एन नहीं, ये आपका एच है। एच का वैल्यू कितना है? 20 है। और एक्स आई माइनस ए क्या है? ये जो डी आई का वैल्यू है, तो सबको 20 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब -60 / 20 अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को -3 मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को -2 मिलेगा, -40 / 20। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार से -20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो -1 मिलेगा, फिर यहाँ 0 मिलेगा, फिर यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, और यहाँ 3 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एफ आई यू आई,
मतलब कि एफ आई को यू आई से, ये हमारा यू आई है, ये जो पूरा लाइन गया है ये यू आई है, और यहाँ पे एफ आई मतलब 9 × -3 कितना मिलेगा हम लोग को, -27। उसके बाद 11 − 2 कितना मिलेगा, -22। 14 − 1 कितना मिलेगा, -14। 6 × 0 कितना मिलेगा, 0। 8 × 1 कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 15 × 2 कितना मिलेगा हम लोग को, 30 मिलेगा। 12 × 3 कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। फिर हम लोग को क्या करना है, ये सब का हम लोग सम निकाल लेंगे, समेशन ऑफ एफ आई यू आई, ये हो जाएगा, ये आएगा आपका 11। और यहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी का भी सम निकालना है, समेशन ऑफ एफ वाई, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 75। अब मीन निकालने का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाय समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 90 + 11/75 × 20, ठीक है, और इसको सॉल्व करिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा 92.93। ठीक है, अगर आप लोगों को ये तीनों मेथड समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।